एमपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत अब राममय होने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव राममय नजर आ रहे हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, किस तरह मध्य प्रदेश की सियासत में राम रंग चढ़ता जा रहा है? देखिए, निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में जारी हैं। उसके पहले ही ठीक मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कर ले, दोनों ही एक ऐसी नगरी में अपनी दस्तक देना शुरू कर चुके हैं जो कि पूरी तरीके से राम से जोड़कर इस नगरी को देखा जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसको अयोध्या नहीं जाने को लेकर एक काफी वीडियो भी वो वायरल हुआ था। अब उससे पहले जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो चित्रकूट पहुंच गए और उनको लेकर दोनों के जो सियासी मायने हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग निकाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर यहां पर बात करें तो उन्होंने हाल ही दिनों में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटोज और कुछ वीडियोज जारी करते हुए ये बात कही थी कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं जाऊंगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि पब्लिक ज्यादा है तो अपने घर पर रहकर ही आयोजन का लाभ उठाएं, तो मैं ओरछा जाऊंगा, रामराज दरबार के सामने राम दरबार में अपनी राम भक्ति को प्रदर्शित करूंगा और राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो महाउत्सव है उसको मैं ओरछा से ही देखना पसंद करूंगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो 22 तारीख से पहले अपनी ओरछा जाने की जो तैयारी है वो पूरी कर चुके हैं और अब उसी कड़ी में मोहन यादव ने भी राम भक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। मोहन यादव आज चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट की अगर हम बात करें तो जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे उस समय 11 साल जो उन्होंने वक्त का बिताया था वनवास का, वो सबसे ज़्यादा अगर लंबा समय कहीं बिताया तो वो चित्रकूट है। यानी कि कहीं ना कहीं अयोध्या के बाद में चित्रकूट को भी राम की नगरी से ही जोड़ा जाता है और मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर चित्रकूट मौजूद है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान का ओरछा में और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 22 तारीख से पहले चित्रकूट पहुंचना, ये सियासी मायने इनके निकाले जा रहे हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनके साथ साथ तमाम जो अन्य नेता हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कर ले या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, इनके साथ साथ तमाम जो अन्य नेता हैं वो भी अब धीरे धीरे राम में होने लगे। और उसी कड़ी में आज मोहन यादव जो है वो चित्रकूट पहुंचे और राम वन गमन का उन्होंने एक बड़ी बैठक भी आयोजित की है जिसमें विकास कार्यों को लेकर वो गति जो है वो देते हुए हमको नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं राम में होने लगी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता है उनमें राम रंग चढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। जी संदीप, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस कितनी राममय नजर आ रही है इस आयोजन को लेकर? देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपनाना शुरू कर दिया। हम बात कर ले तमाम दिग्गज नेताओं की, अगर बात करें तो जो तमाम बड़े दिग्गज और बड़े नेता हैं वो हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे, उसको देखते हुए हमको बीजेपी में अंदरूनी कलह भी देखने को मिला है। लेकिन हम बात करें स्थानीय तौर पर तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी 22 तारीख को हिंदुमय होती हुई हमको नजर आएगी और छोटे छोटे आयोजन जो है वो जमीनी स्तर पर करती हुई कांग्रेस नजर आती हुई हमको दिखाई देगी। और इसको लेकर जो कांग्रेस के अंदर खाने हैं उसको उसकी जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य है इन दिनों और जो अन्य नेता हैं, अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवामय और राममय होने की ओर अग्रसर है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव पर राम रंग चढ़ा है, ठीक उसी प्रकार अन्य नेताओं पर भी राम रंग चढ़ता हुआ हमको इन दिनों दिखाई दे सकता है। और आने वाले जो दिन है उसमें पूरा मध्य प्रदेश भगवा में और राम में हमको होता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जी
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब मध्य प्रदेश में राम रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश की सियासत भी राममय होने लगी है। अब देखना यह होगा कि 22 जनवरी के पहले और कितने रंग सियासत में चढ़ते हमें देख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।